नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारी सीरीज में आज हमारी क्लास होगी साइंस और टेक्नोलॉजी नंबर ट्वेंटी नाइन आज हमारी उनतीसवीं क्लास आ चुकी है नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट थ्री ऑफ फाइव कम वन कम ऑल क्लास शुरू हो चुकी है फटाफट आ जाइए नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट थ्री ऑफ फाइव और दिमाग के सारे तार आपके आज झंझना जाएंगे बहुत मजा आएगा आपको आर वी ऑलरेडी बहुत जोश के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे करके दिखाएंगे यस और नो यस और नो यस और नो आते के साथ सेशन को लाइक कर लीजिए नमस्कार स्वागत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश सिंह प्रियकांत वर्मा अद्वरंजिता रंजिता घोसाई प्रियकांत वर्मा धवल सिंगल सुरिंदर सिंह मनीष कुमार नवजोत गुजराल साइंस ऑफ इंफिनिटी शुभम जोशी बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का प्यारे दोस्तों तो आते ही एक बार पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करके दिखाएंगे लिख दीजिए ये लिख दीजिए लाइव चैट में तो क्या करके दिखाएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करके दिखाएंगे जीवन में आगे बढ़ के दिखाएंगे और अपना बेस्ट हंड्रेड परसेंट दे कर दिखाएंगे जितने भी बच्चे लाइव में नहीं जुड़ पाए बाद में हमारी प्ले में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है प्ले में आराम से देखिए और पढ़िए और बस ये समझ लीजिए कि आप हमारे साथ लाइव ही हैं यस और नो सभी बच्चे आ जाइए फटाफट 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 प्यारे दोस्तों ये जो हर्ष सोनी नाम का लड़का है एक तो ये हर क्लास में बोलता सर मेरा नाम ले दो मेरा नाम ले दो मेरा नाम ले दो मेरा नाम ले दो हर्ष सोनी हर्ष सोनी हर्ष सोनी हर्ष सोनी हर्ष सोनी पांच बार ले दिया बेटा आज के बाद मत बोलना और तू कल का विनर था तेरे को बहुत बहुत बधाई बेटा तू आज का भी विनर बने हमारी शुभकामनाएं लेकिन बहुत लंबी कंपटीशन होने वाली है मेंटी की क्विज आज की भी तैयार है भैया हमारी यस और नो करके दिखाएंगे कि नहीं यस सर वेरी गुड शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों लेकिन आज इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं आपके लिए गुड न्यूज है एक बोनस लेकर आया हूं मैं आपके लिए विशेष तौर पर मेरे अन अकेडमी चैनल के स्टूडेंट्स के लिए बोनस आपको चाहिए कि नहीं ये बोनस मैं केवल एक ही शर्त पे दूंगा आप मुझे कमिट करेंगे कि आप इस बोनस का पूरा फायदा लेंगे तो पहले तो मुझे बताइए कि आप ये बोनस चाहते हैं या नहीं एक ऐसा बोनस लाया हूं मैं आपके लिए कि आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा मन खुश हो जाएगा तो पहले तो मुझे कंफर्म कीजिए कि यस सर बोनस चाहिए और इतना प्यारा बोनस आप लेकर आए हैं हमारे लिए खुशी की बात है तो तुरंत जरा बोनस दे दीजिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए बोनस चाहिए या नहीं बोनस चाहिए या नहीं गुड आफ्टरनून नमस्कार नमस्कार पार्ट वन नहीं है प्ले में मैं चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेटर कृपया इस चीज को ध्यान से सुन लें समझ लें और पार्ट वन को प्ले में डाल लें दोस्तों आपके लिए बोनस तैयार है और आपका दिल खुश हो जाएगा यह रहा बोनस देख लो बेटा मुझे बहुत खुशी है अनाउंस करते हुए मेरा स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल चालू कर रहा हूं मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर 20 जुलाई सोमवार से मैं आपके लिए 10 क्लासेस लेकर आने वाला हूं कंटिन्यूसली बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस मंडे ट्यूजडे वेंजे थर्सडे फ्राइडे सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस मंडे ट्यूजडे वेंजे थर्सडे फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार बीस जुलाई से चौबीस जुलाई सोमवार से शुक्रवार सत्ताईस जुलाई से इकतीस जुलाई मैं आपके लिए ये दस स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री अन एकेडमी प्लस पर लेकर आ रहा हूं टॉपिक्स देखिए बीस जुलाई सोमवार को सुबह साढ़े सात से साढ़े आठ की सारी क्लासेस होंगी एफडीआई एंड एफ पी आई इन इंडिया पे बहुत बारीक इनपुट्स दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड इक्कीस जुलाई मंगलवार को सुबह साढ़े सात से साढ़े आठ बजे हम आपको कराएंगे प्यारे दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एक घंटे का लेक्चर बाईस जुलाई बुधवार को सुबह साढ़े सात से साढ़े आठ रेवल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति अंग्रेजों की जो अमेरिकन क्रांति हुई थी रूसी कम्युनिस्ट क्रांति ये सब कराऊंगा उसके बाद गुरुवार को एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्विज कराऊंगा अन पर अक्रॉस सब्जेक्ट एरिया उसके बाद शुक्रवार को कराऊंगा मैप्स ऑफ द वर्ल्ड पार्ट वन और नेक्स्ट वीक पर हमारी ये अगली पांच क्लासेस होंगी तो अब आपको क्या करना है ये ये स्पेशल क्लासेस क्लासेस फेस्टिवल है आप सभी के लिए ये पूरी दस क्लासेस में आपको आज के आज जाके एनरोल कराना है शाम को छह बजे तक सारी लाइव हो जाएंगी और ये मंडे से शुरू हो रही है सारी क्लासेस सुबह साढ़े सात से साढ़े आठ तो दिन की शानदार शुरुआत मेरे साथ होगी अब आपको एनरोल कैसे करना है आपको एनरोल करने का तरीका बहुत ही सरल है आप चले जाइएगा अन अकेडमी पर मेरी प्रोफाइल खोल लीजिएगा मेरे नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी उसमें आपको नीचे स्पेशल क्लासेस का सेक्शन मिलेगा एक एक करके उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी दस क्लासेस में आपको अलग अलग सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आप ये दस क्लासेस के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे तो अभी के अभी ये मैं विशेष तौर पर आप लोगों के लाए उनकेडमी के बच्चों के लिए एक एक स्टूडेंट एक एक लड़का एक एक लड़की जो यहां है और जो बाद में भी सेशन को देख रहा है मुझे अभी के अभी लाइव चैट में कमेंट में कंफर्म करो कि यस सर वी विल अटेंड ऑल टेन क्लासेस अरे ज्ञान बढ़ेगा जीवन में आगे बढ़ जाओगे परीक्षा में स्कोर बढ़ जाएगा और यह स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल सफल होगा लेकिन ये सिर्फ आप ही सफल बना सकते हो यह मैं सफल नहीं बना सकता आदित्य जी शेड्यूल आपके सामने है बेटा पढ़ लो आंख से अपनी मंडे से फ्राइडे मंडे से फ्राइडे 21 जुलाई से शुरू 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मंडे से समझ में आई बात 20 जुलाई को है सोमवार बेटा 20 जुलाई सोमवार से लेके 24 जुलाई और 27 जुलाई से 31 जुलाई 10 क्लासेस कंटिन्यूसली और टॉपिक्स देख लो आनंद परमानंद टॉपिक्स हैं सारे इतना जबरदस्त मिक्स लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए कि आप इतने खुश हो जाओगे और इतना इंटीग्रेटेड लर्निंग करवाऊंगा लेकिन केवल उन्हीं बच्चों को मजा आएगा जो पूरी दस क्लासेस अटेंड करेंगे तो मुझे कमिट करो कि यस सर आई विल अटेंड ऑल टेन क्लासेस मैं कल फिर याद दिलाऊंगा तो मुझे अभी कमिटमेंट दो चलो कमिटमेंट दो उसके बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा हूं अब हमारी तरफ से हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको कम से कम आके अटेंड तो करना पड़ेगा ना उसके बिना कैसे होगा और बेटा ये सब अब बंद कर दो मेरा नाम ले लो उसका नाम ले लो ये सब बंद कर दो वो एक दो बार हमने हंसी मजाक किया तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर सभी का नाम लेते रहेंगे वही करेंगे तो बेटा नाम ही लेते रह जाएंगे पढ़ाई कब करेंगे हर्ष सोनी जी का सवाल बदल गया है अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों रोशन कुमार का भी बहुत अच्छा सवाल है सर टेस्ट आज भी होगा क्या सवाल बहुत अच्छा है यार सवाल बढ़िया पूछते हैं बच्चे यहाँ के प्यारे दोस्तों स्पेशल क्लासेस का मतलब ही फ्री क्लासेस होती हैं ये पूरी दस क्लासेस फ्री हैं पूरा पूरा लाभ लेना है कमिट करो कि आई विल अटेंड और आज शाम को छः बजे के बाद मेरी प्रोफाइल पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा अन की प्रोफाइल पर चले जाना वहाँ आपको प्रोफाइल पर नीचे स्पेशल क्लासेस में ये दस क्लासेस के डब्बे दिख जाएंगे अलग अलग एक एक को ओपन करके एनरोल कर लेना तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एक एक को ओपन करके दसों में एनरोल करना है और कल मैं आपसे कन्फर्म करूंगा कितने बच्चों ने एनरोल किया मेरे पास तो नाम के साथ सब मालूम चल जाता है किसने किया तो झूठ बोले तो कौआ काटे काले कौए से डरी हो समझ में आएगी ना बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऋषिका बोलती है सर एक डाउट है मेंटी और यूट्यूब एक साथ कैसे चलाएं मेंटी पर ऑप्शन ही नहीं दिखते अभी समझाते हैं आपको तो कैसा लगा आपको हमारे स्पेशल क्लासेस का प्लान हमने सोचा आप में जरा जोश भर दिया जाए पढ़ाई लिखाई का तो बेटा मंडे से फ्राइडे तक दो सप्ताह आने वाले मंडे से सुबह साढ़े सात बजे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे अन अकेडमी पर चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत बहुत खुशी हुई आपका इतना प्यार भरा रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया तो शमानुल अख्तर ने कन्फर्म कर दिया कि मैं पूरे पूरे दस क्लासेस आई विल बी अटेंडिंग तो ये ऐसे कमिटमेंट चाहिए भैया हमको तभी हमारा भी जोश बढ़ता है नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है फिर इतना सब कुछ करके और एक्चुअली आपको एग्जाम्स में फ़ायदा होगा यही तो बात है ना सारी टॉपिक्स देख लो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा एक एक टॉपिक पे एग्जाम में सवाल बने और हम वो सब करवाएंगे आपको प्यारे दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की और आज भी मेंटी की क्विज़ होगी मेरा परिचय और ये हमारा सी सी का सिलेबस जैसा हम हमेशा आपके साथ डिस्कस करते हैं ये रहा हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा सिलेबस देख लीजिए अच्छे से ऑडियो वीडियो बराबर चल रहा है ना कहीं भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा उसको हम ठीक कर लेंगे आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपकी 29 क्लासेस आज कंप्लीट हो जाएंगी और आज हमारी ट्वेंटी नाइन क्लास है नैनो टेक्नोलॉजी की पार्ट थ्री ऑफ फाइव बहुत मजा आएगा आपको आज क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाने वाला हूं कि पूरा पूरा दिमाग आपका ओपन हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी अ रिमार्केबल क्लास टूडे और सभी बच्चे कंफर्म कर रहे हैं कि हम पूरी दस क्लासेस अटेंड करेंगे ये हुई ना बात ये हुई ना बात ये हुई ना बात अब आते हैं आज की क्विज़ पर मेंटी की क्विज होगी क्लास के एंड में हमेशा याद रखिए आपको दो विंडोज अलग अलग खोल के रखनी दो मोबाइल कर लें तो बहुत अच्छा नहीं तो एक ही मोबाइल में ब्राउज़र खोल लीजिए दो अलग अलग कंप्यूटर पे हैं तो सबसे आसान है टैब खोल लीजिए कुछ करना ही नहीं है अब तो 21वीं सदी के स्मार्ट जनरेशन और ये सब मुझसे क्या सीख रहे हो तुमने मुझे सिखाना चाहिए और मैं यूट्यूब पर हमेशा पहले क्वेश्चन आने देता हूँ उसके बाद मेंटी शुरू करता हूँ ये सारी प्रॉब्लम पहली क्लास में थी अब नहीं है तो अब वो सब छोड़ो अब सिर्फ करो बेटा तो आज भी मेंटी की क्विज होगी तैयार है ना सब लोग तो प्यारे दोस्तों कल हमारी छुट्टी है ध्यान रखना फ्राइडे सैटरडे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तुमको तीन से चार और संडे को मेरी स्पेशल क्लास है तीन से चार बजे तुम लोगों के कहने पर लाया हूँ इफेक्टिव न्यूज रीडिंग प्रभावी तरीके से अखबारों को कैसे पढ़ना एक घंटे में आपको बहुत अच्छे इनपुट मिलेंगे तो संडे को तीन बजे तुम्हें आ जाना है और फ्राइडे सैटरडे को भी बिल्कुल मिस मत करना नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले मंडे को कंटिन्यू होगा दो क्लासेस और होंगी पीडीएफ शाम को आपको मिल जाएंगे सभी बच्चे डाउनलोड कर ही रहे हैं बहुत बहुत अच्छी बात है शुरू करते हैं आज की क्लास नैनो टेक्नोलॉजी क्लास ट्वेंटी नाइन पार्ट थ्री ऑफ फाइव पहले एक क्विक रिविजन करते हैं कल हमने ये सब देखा मेंटली चेक कीजिए ये सारी चीज़ें आपको मैं कल पढ़ा चुका हूँ टोके गेको की काफ़ी बातें हुई डिटेल में हम अंदर गए प्रकृति का खूबसूरत क्रिएशन ये सब हमने पढ़ा ये सब हमने देखा हैंगिंग मैजिक की बात हुई इन सब चीज़ों पे बात हुई किस प्रकार से हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इम्पोर्टेंट होता है फिर हमने आगे बात की किस प्रकार ड्राई अधेशन चलता है और पूरी की पूरी वेंडर वॉल फोर्स की कहानी को हमने समझा गेको के फीट में क्या होता है बेसिकली वेंडर वॉल फोर्स से कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है अलग अलग गेको फैमिली के फिर इनके एप्लीकेशंस फिर नैनो मटीरियल क्या होते हैं फिर इस इन्फोग्राफिक को समझा हिस्ट्री का मैंने सारा पॉइंट दिया आई के इंडिविजुअल एटम्स एनऑन एटम्स से हमने डायग्राम बना दिया नैनो पार्टिकल के डेफिनेशन बकी बॉल सिक्सटी परमाणु जो कार्बन के हैं उससे ये बनता है इस पर बात की बक मिस्टर फुल्रीन जो एक पूरी फैमिली है फुलरीन की इसके एप्लीकेशन पर बात की ये सब कल हो चुका है और हमने सी एन टी इंट्रोड्यूस कर दिया था तो अब समय आ गया है दोस्तों ग्लोथरी भी कल आपको दी थी ग्लोथरी मंडे ट्यूजडे को और दूंगा अब शुरू करते हैं आज का काम द मैजिकल कार्बन के साथ मजा आया है आपको अभी तक बहुत बढ़िया विज्ञान प्रौद्योगिकी ही भारत वर्ष को आगे लेके जाएगा ये बात मेरी ध्यान रखिएगा और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए ये प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ये हुई ना बात अब एक बात समझिए वेदांशी राज अभी तो कहानी शुरू हुई है बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर और कितनी क्लासेस चलेंगी साइंस और टेक्नोलॉजी की बेटा हमारा ये कोर्स अगले पाँच सालों तक चलने वाला है कंटिन्यूअसली 2024 तक जब तक न्यू इंडिया बनकर तैयार नहीं हो जाता हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लास तो चलती रहेगी क्योंकि उसके बिना न्यू इंडिया बन भी नहीं सकता है आगे समझ में आज की क्लास शुरू हो चुकी है डिटेल में द मैजिकल कार्बन बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को प्यारे दोस्तों द मैजिकल कार्बन हमारी पृथ्वी पर कार्बन नाम का जो एलिमेंट है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हम तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमें कार्बन के जादू को थोड़ा सा गहराई में समझना होगा शुभम राठौड़ ने यूपीएससी एच टू पॉइंट जीरो की बात की मेरे उसमें आपके लिए एक दो मैराथॉन सेशन प्लांट है यूपीएससी एच टू पॉइंट जीरो में पूरी चार चार घंटे की क्लासेस लूंगा मैं आपके लिए अभी वो सही समय आया नहीं है लेकिन फिर भी मैंने एक हिंट आपको दे दी है अभी उसको छोड़ो आगे बात करेंगे और मेरी 10 स्पेशल क्लासेस में हर बच्चे को आना है ये आपके लिए रिमाइंडर है और एच टू पॉइंट जीरो की क्लास अलग होगी मैराथन क्लास उसमें मैं एमसीक्यू सी कराऊंगा मेंटी पे पागल हो जाओगे आप इतना बढ़िया कलेक्शन रेडी कर रहा हूँ मैं आपके लिए एग्जाम पास करानी है यार तुमको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे तुमको आखिरी पल तक दिमाग खा जाएंगे तुम्हारा जब तक पास नहीं होंगे तुम अब दोस्तों ये जो मैजिकल कार्बन है ये मैजिकल कार्बन आखिर क्या है इस चीज को समझिए मैजिकल कार्बन में आप देख रहे हैं ग्रेफाइट है डायमंड है एमॉर्फस कार्बन है फुलरीन्स हैं नैनोट्यूब्स हैं ग्रेफींस हैं ये जो छह चीज़ें मैंने आपको अभी बताई ये छह एक बार जोर से बोल दीजिए और कोई एक या दो वॉलंटियर्स फटाफट कमेंट थ्रेड में ये पूरा छह के छह लिख लीजिए ताविश सज्जाद को हमारा सादर प्रणाम है ताविश सज्जाद आप सम्मान के हकदार हैं आपको हमारा सादर पै चुके प्रणाम भैया आपने पूछा सर ये मेंटी क्या है तुमने मुझे सेंटी कर दिया ये पूछ के महान आत्मा हो तुम गुरु देश को बहुत आगे ले जाओगे गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं आज गारंटी है हो सकता है आज तुम्हारी पहली क्लास हो हंसी मजाक चलता रहता है दिल पे मत लेना है मेरे साथ ऐसे ही रहेगा मैजिकल कार्बन में बेटा हम ये छह चीजों पे बात कर रहे हैं ग्रेफाइट डायमंड कार्बन फुलरीन नैनोट्यूब ग्राफीन ये छह चीजें एक बार पढ़ लो जोर से बोल दो और कॉमेंट थेड में लिख दो क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊंगा मैं एक एक चीज के ऊपर स्लाइड बनाकर लाया हूं एक एक चीज आपको बताऊंगा ज्ञान दूंगा इनका स्ट्रक्चर समझाऊंगा नैनो टेक्नोलॉजी में क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको भी बताऊंगा पूरा पूरा बताऊंगा पूरा पूरा बताऊंगा बिल्कुल टेंशन मत लो तो दोस्तों अगर ये छह चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब मैं थोड़ा सा कार्बन के बारे में कुछ जानकारी देकर जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था आपको ये सारे ढांचे नैनो स्ट्रक्चर के बताना चाहता हूं बहुत मज़ा आएगा आपको और एक इतनी अलग अंडरस्टैंडिंग कार्बन की बनेगी जो दरअसल पहले केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री के सिलेबस का भी एक छोटा सा हिस्सा आज आपका पूरा हो जाएगा बड़ी खुशी हो रही मुझे देख के बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है प्यारे दोस्तों ये सारे कार्बन के एलो हैं अब ये एलोट्रॉप क्या होते हैं कैसे होते हैं यही हम पढ़ रहे हैं अभी अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से जिन बच्चों ने अभी तक क्लास तो अटेंड करना शुरू कर दी है लेकिन आने के बाद भी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आए हैं लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तुम भी एक दिन कार्बन के एलोट्रॉप बन जाओगे देख लेना बता रहे हैं तुमको तो प्यारे दोस्तों कार्बन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर सिक्स एंड इट इज नॉन मेटेलिक ये सभी को पता है छे प्रोटॉन और छे न्यूट्रॉन याद रखिएगा कार्बन में परमाणु संख्या छह और यह अधोर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू फॉर्म फोर जो बाहरी शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए उपलब्ध होते हैं सहसंजक हो रासायनिक बंध के लिए इट इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स आफ्टर हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं पृथ्वी की नहीं हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन के बाद कार्बन का नंबर आता है पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा पृथ्वी पे लेकिन ये पंद्रह नंबर पर आता है इट इज मोस्ट हमारे इस जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जा सकता है ऑर्गेनिक लाइफ का मतलब ही होता है कार्बन बेस्ड इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन के बाद हमारे शरीर में लगभग साढ़े अट्ठारह परसेंट कार्बन है समझ में आया और कार्बन एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग एलोट्रॉपी कार्बन काफी ज्यादा अपर रूपता प्रदर्शित करता है एलोट्रॉपी ये सारे एलोट्रॉप्स हैं समझ में आया तो वही एलिमेंट अलग अलग फॉर्मेट्स में उपलब्ध हो गया उसको एलोट्रॉपी कहते हैं अपर रूपता और ये कार्बन के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं दस सेकंड का समय दे रहा हूं एक बार मेंटली याद कर लो सारी चीजें ये बेसिक चीजें हैं ये केमिस्ट्री का भी सिलेबस है ये नैनो टेक्नोलॉजी का भी सिलेबस है ये सारी चीजें हैं समझ में आया आपको सिमरन जोत आप बस हमारे साथ जुड़े रहें सब कुछ होगा आप चिंता मत कीजिए कि ये करा दो वो करा दो सब कराएंगे आपसे ज्यादा चिंता हमको भैया सब, सब कराएंगे सब कराएंगे सब कराएंगे सब कराएंगे समझ में आया आपको वेरी गुड वेरी गुड तो यहां पर सोनू पूछ रहे हैं कि भाई इसके अलावा कोई और किताब हमें करनी है सिर्फ एक किताब कीजिए आप अन एकेडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरे कोर्स से एस एम सर टेन पचास सेशन का साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स है जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल भी इशू किया हुआ है डिटेल्ड में सात बुकलेटें वहां पे इशू की हुई हैं सैकड़ों पन्नों की वो पढ़ लेना तुम्हारा काम हो जाएगा उसी में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी एस एम सर टेन मेरा कोड है जब बी प्लस पे जाओ यही कोड लगाओ इससे आपको एग्जाम में मार्क्स भी थोड़ा ज्यादा मिलते हैं ये कोड लगाने से कार्बन का पूरा क्लियर हो गया एक बार यस सर लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं ये पूरी तरह क्लियर हो गया कार्बन का तो मुझे बताइए यस सर लिख दीजिए तो आगे बढ़ेंगे ठीक है चलो अब दोस्तों देखिए एलिमेंट कार्बन इट्स एलोट्रॉप एंड नैनो टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक तो नैनो टेक्नोलॉजी है तो जो कार्बन है वो एक एलोट्रॉप है उसका डायमंड ये भौतिक रूप से डायमंड ऐसा दिखता है और उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये है भौतिक रूप से ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल की नोक में होता है वो ये है और ग्रेफाइट के अंदर का ढांचा यह है ये अलग अलग लेयर हैं जो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं यह है ग्रेफाइट ये है ग्रेफाइट दिख रहा है बेटा आपको शीट्स ऑफ अ हेक्सागोनल लैटिस यह एक एक हेक्सागोनल षटकोण है और इनकी पूरी शीटें एक लैटिस फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं यहां, यहां, यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां ये सारी की सारी शीटें आपस में जुड़ी हुई हैं तो दीज आर शीट्स ऑफ अ हेक्सागोनल लैटिस ये है ग्रेफाइट और ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का बात समझ में आई आपको तो प्यारे दोस्तों डायमंड की बात करें ग्रेफाइट की बात करें एलोट्रॉप की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ लो आज नैनोटेक के साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाया जा रहा हूँ पैरेलल में और सारा नॉलेज अल्टीमेटली जुड़ा हुआ होता है ये बात भूलिएगा मत इसलिए किसी भी चीज को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा चौथा चौथा पॉइंट आप पूछ रहे हैं कौन सा चौथा पॉइंट फिफ्टीन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट ये वाला चौथा बिंदु तो उसमें समझाने का क्या है पृथ्वी की क्रस्ट में भू परपटी में ऊपर की जो परपटी है उसमें जैसे सिलिकन मिलता है ऑक्सीजन मिलता है बाकी चीजें मिलती है वैसे कार्बन मिलता है और ये फिफ्टींथ है समझ में आया मतलब इसके ऊपर और चौदह हैं जो उपलब्ध हैं हैं आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर तो दोस्तों वापस इस पर आ गए आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेम एलिमेंट किसी एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक संशोधनों को एलोट्रॉप कहते हैं जिसके लिए हमने अपर रूपता भी कहा एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर बॉन्डेड इन अ डिफरेंट मैनर तो क्या हो रहा है इसमें ये देखिए सारे कार्बन है ये यहां पे कार्बन है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है लेकिन ग्रेफीन में इंडिविजुअल शीट्स हैं ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लैटिस है फुलरीन में ये गेंद के रूप में है नैनो में लंबे बेलन आकार में सिलेंडर के आकार में जुड़े हैं ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कार्बन के पास है ये फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे बहुत कम एलिमेंट्स प्रदर्शित करते हैं प्रकृति में और वैज्ञानिकों को पिछले 20 सालों में यह पता चला कि इन सब का नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल बहुत ही शानदार हो सकता है तो एलोट्रॉप की परिभाषा समझ लो बेटा एलोट्रॉपी इज ओनली फॉर एलिमेंट्स एंड नॉट फॉर कंपाउंड यौगिकों के साथ एलोट्रॉपी नहीं होती है केवल इंडिविजुअल तत्वों के साथ ही होती है उम्मीद करता हूं आपको एलोट्रॉपी समझ में आ गई और ये दो उदाहरणों के साथ डायमंड और ग्रेफाइट के साथ एलोट्रॉप मैंने समझाया तो एक बार कॉमेंट थ्रेड में एक बार लाइव चैट में समझा दो एलोट्रॉप क्या होते हैं एलोट्रॉपी क्या होती है हमें एक बार समझा दीजिए ये अपर रूपता क्या होती है ये सरल भाषा में समझा दो ताकि आपको भी क्लियर हो अपनी नोटबुक अलग से तो बनाई रहे हैं आप अब ये जो कार्बन है ना हमने बोला मैजिकल चीज है तो इसके वेरियस स्ट्रक्चर समझो जब मैं डायमंड की बात करता हूं हीरे की बात करता हूं वैसे तो माँ बाप के लिए हर बच्चा अपना हीरा ही होता है अरे मेरा हीरे जैसा बेटा रे वो हीरे जैसे बेटे के काले कारना में अगर मैं बता दूं तुमको तो माता पिता धपाक धपाक से हीरे छाप देंगे गाल पे एनीवे anyway, वे छोड़ो यार अब उनको गलत में ही रहना हीरे जैसा बेटा है हीरे जैसी बेटी है तो रहना तो यार गलत में माँ बाप की गलत क्यों दूर करके पाप मोल लेना छोड़ो यार छोड़ो प्यारे दोस्तों इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे डायमंड यानी कार्बन एटम लैटिस अरेंजमेंट तो ये डायमंड है।, है।, है आपकी जो पेंसिल है उस पेंसिल की नोक में जो मटीरियल है वो ये है और उसका ढांचा कार्बन का एटॉमिक लेवल पर ऐसा मिलता है ग्रेफीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ग्रेफीन 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 का मतलब होता है इसकी एक एक शीट को अलग अलग कर दो ग्रेफीन की शीटें बन जाएंगी और ग्रेफीन एक बहुत ही मैजिकल एलिमेंट है ग्रेफीन के ऐसे ऐसे उपयोग विज्ञान ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है कि वाकई में ऐसा लगने लगता है कि ग्रेफीन तो जादू करने के लिए ही भेजा गया है पृथ्वी पे बात समझ में आई आपको ग्रेफीन जो होता है प्यारे दोस्तों अब तो उसको फोटो सेल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह भी यूज करने की बात चल रही है सिलिकॉन शीटों की जगह भी और ग्रेफीन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है फ्लेक्सिबल होता है और बहुत बढ़िया यूजेज फोटोवोल्टेक सोलर सेल्स में भी होने लग गया है हालांकि अभी एक बात है कि उसमें बहुत लंबे समय की थोड़ी रिसर्च बाकी है लेकिन ग्रेफीन एक मैजिकल एलिमेंट है फुलरीन्स स्फेरिकल हो सकते हैं ट्यूबुलर हो सकते हैं एलिप्सॉइडल ये हो गए फुलरीन समझ में आ गया ये नाम ध्यान रखना फुलरीन और सी एन टी यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड सिलेंडर्स ये हो गए ये सब के सब कार्बन से बने हुए इसमें ये जो एक एक गोला आपको दिख रहा है ना ये कार्बन है ये एक एक गोला ये कार्बन है अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी मदद से वैज्ञानिक बहुत सारी वस्तुएं बना रहे हैं ये जो वस्तुएं बन रही है वही तो नैनो टेक्नोलॉजी है इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है अब दोस्तों एक बार सारे फिर से देख लीजिए दस सेकंड का समय दे रहा हूं एब्सुलूटली बिल्कुल सही है ग्रेफाइट की शीटों को एक्चुअली केमिकली अलग अलग करके तो ग्रेफीन बनता है देखिए ये बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करना बहुत गंदी आदत है ये गंदी आदत छोड़ दो ये कोई शान की बात नहीं है इसमें दूसरों को डिस्टर्ब होता है आप दूसरों का थोड़ा लिहाज करना सीखिए दोस्तों एक ही कॉमेंट को बार बार पेस्ट करे जा रहे हैं दूसरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं थोड़ी सोशल मैनर्स रखिए दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए आपने क्वेश्चन एक बार डाल दिया टीचर ने अगर उत्तर दिया तो बढ़िया नहीं तो दो मिनट बाद डालो दिया तो बढ़िया नहीं तो किस्मत फूटी समझ के भूल जाओ बार 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 बहुत गंदी आदतें हैं ये इनसे निजात पालो क्योंकि दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं तुम्हारी ब्रांड खराब हो रही है तुम्हारा नाम खराब हो रहा है ये बुद्धि नहीं है तुम्हें अभी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं अगर उल्टा घड़ा नहीं होगा तो ले लोगे तो ग्राफीन हुआ प्यारे दोस्तों ग्रेफाइट हुआ फुलरीन हुआ नैनोट्यूब हुआ ये सारा अच्छे से पढ़ लो इस पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर थैंक यू रितिका थैंक यू सो मच मैं हुई बहुत मज़ा किया बेटा मेरा काम ही मज़ाक करना रोमन ने मुझे रखा है इसलिए कि जा भाई जाके सबको हंसा गाने वाने सुना लोगों को मज़ा दिला जरा तभी मज़ा आएगा तो चलो गाना सुना देते हैं तुमको एक बार रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही बहुत खूबसूरत गीत है कभी भी डीमोटिवेशन हो जाए तो ये गीत सुन लेना मजा आ जाएगा वैसे नॉर्मली इस तरह के नैनो टेक्नोलॉजी के लेक्चर देखते देखते अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है लेकिन आज लोगों को मज़ा आ रहा है बस यही तो हमारा मकसद है यार आप लोगों को मज़ा आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप लोग तेजी से देश को आगे बढ़ाते चले बहुत आवश्यक है भैया क्लियर हो गया अब थोड़ा सा शांति से समझो ये टू डायमेंशनल ग्राफीन की शीट है इस टू डी ग्राफीन की शीट में से इस एक हिस्से को निकालकर मैं ऐसा गोला बना सकता हूं तो वो क्या बन रहा है बेटा फुलरीन बात समझ में आई आपको एनके एस इन्फो बोलते हैं सर क्या बात है आप हर बार चश्मा लगा के क्यों गाते हो हीरो बनने के लिए हीरो 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 बनने के लिए हीरो बनने के लिए फिर से पूछे तो मेरा जवाब वही है पहले दिन से पता हीरो हीरो दिखता हूं मैं उसमें हीरो हीरो बनता बनता हूं बनता हूं और प्लस मैं दिखाना चाहता हूं कितना महंगा चश्मा है मेरे पास दो कारण एक तो हीरो बनने के लिए और महंगा चश्मे का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए दोबारा मत पूछना तो प्यारे दोस्तों इसमें से एक हिस्सा निकाला तो वो बन गया फुलरीन इसमें से दूसरा हिस्सा निकाला वो बन गया कार्बन नैनोट्यूब शांति से देखो शांति से समझो इसमें से तीसरा हिस्सा निकाला उसको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए बन गया ग्रेफाइट बहुत अच्छे से इस चीज को देख लो और समझ लो इसको देख लो और समझ लो इसको देख लो और समझ लो सारे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर लो यू ही गाते रहो समझ में आ गया बेटा चलिए वेरी गुड आई होप अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया ग्रेफीन से आप सब कुछ निकाल के बना सकते हैं अब आप बोलेंगे सर नैनो टेक्नोलॉजी है तो थोड़े नैनो डायमेंशन भी तो दिखा दीजिए बिल्कुल अब आपको नैनो टेक्नोलॉजी के डायमेंशन भी बता दिए जाए बहुत ध्यान से देखिए ये रहे नैनो टेक्नोलॉजी के डायमेंशंस अभी तक जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े ना उसमें नैनोटेक डायमेंशन देखो ये है बेटा ग्रेफाइट है ना ये ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट की जो शीटें होती हैं उनके बीच का डायमेंशन है ऑलमोस्ट पॉइंट थ्री फोर Angstrom ये एक्सफोलिएशन है एक्सफोलिएशन का मतलब होता है एक एक परत को अलग अलग कर दो तो ग्रेफीन बन गया एक एक परत को अलग किया ग्रेफाइट की तो ग्रेफीन बन गया इसके लिए केमिकल रिएक्शन करवाई जाती हैं कुछ उसकी प्रोसेस होती हैं फिर आप बोलेंगे कि सर ये सी एन टी यानी कार्बन नैनो ट्यूब के भी डायमेंशन बता दो तो उसका जो डायमीटर होता है वो पॉइंट फोर से थ्री नैनोमीटर का होता है और अगर मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब हो तो 1.4 से 100 नैनोमीटर हो सकते हैं ग्राफीन ऑक्साइड हो सकता है कार्बन क्वांटम डॉट हो सकते हैं ग्राफीन क्वांटम डॉट ग्राफीन कार्बन सब कुछ पॉसिबल और ये सब कुछ नैनो स्केल पर ही चल रहा है यस और नो पूरा क्लियर है यस yes, बिल्कुल सही बोला आपने और ग्रेफीन में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की भी क्षमता है अब कवर करूंगा मैं आगे आज आप में से कई बच्चों को पता है ये बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है दिस इज वेरी वेरी गुड तो प्यारे दोस्तों एक स्टेप आगे चलते हैं अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी का ये डायमेंशन वाला एंगल समझ में आ गया अब फुलरीन अब ये फुलरीन क्या होता है देखिए ज्यादातर चीजों का तो हम आपको हिंदी अनुवाद दे रहे हैं पढ़ाने में हम 90 परसेंट हिंदी ही यूज कर रहे हैं ये सब आपको बता चुके हैं इसलिए हिंदी माध्यम के छात्र बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप भी यही सेशंस करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना बेटा अब ये फुलरीन का लेक्चर शुरू हो गया फुलरीन को समझ लो एक बार बहुत अच्छे से हम इसकी बात कर रहे हैं ये वाले जो फुलरीन्स हैं ये पूरा एक परिवार है ऑब्जेक्ट्स का फुलरीन्स फुलरीन्स बक मिस्टर फुलर सिक्स सी हमने कल देखा था आज ये पूरा परिवार हम पढ़ने वाले हैं फुलरीन परिवार एक बार अच्छे से नोट कर लो दिस इज द फुलरीन परिवार समझ में आ गया आपको फुलरीरीन एज अ कार्बन एलोट्रोप विथ आइटम कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड टू फॉर्म अ क्लोज्ड मैश क्लोज मैश का मतलब क्या होता है एक ऐसी जाली जो अपने आप में पूरी बंद हो जाती है क्लोज्ड मैश एक ऐसी जाली जो अपने आप में पूरी की पूरी क्लोज होकर बंद हो जाती है उसको क्लोज्ड मैश कहा जाता है समझ में आ गया आपको द मॉलिक्यूल में बी अलोस्फियर एलिप्सॉइड ट्यूब और मेनी अदर शेप्स एंड साइजेस अब एक बहुत मजे की बात समझ लो बहुत अच्छी बात समझ लो फुलरीन को अगर आप ये समझें तो ये एक जेनरिक परिवार हो गया फुलरीन एक पूरा जनरल स्ट्रक्चर है इसी के स्पेशल केसेस में कार्बन नैनोट्यूब हो जाएंगे ग्राफीन भी हो जाएगा वही हम अभी देखने वाले हैं तो ये दूसरा बिंदु अच्छे से पढ़ लो ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप में स्फीयर हो सकता है एलिप्सॉइड हो सकता है ट्यूब हो सकता है दूसरा शेप हो सकता है आर डिनोटेड फुलोरिनोटेड बाई दूला सी एन तो बेटा यह सी सिक्सर फुलर है एग्जाम में पूछा गया था साठ कार्बन एटम्स की गेंद इसको बप मिंस्टर फुलर कहते हैं बात समझ में आई ये सी ट्वेंटी है नॉर्मल फ्लोरीन इसमें बीस कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं यह सी फाइव फोर्टी है पांच सौ चालीस कार्बन एटम आईकोसा हेड्रल फुल मतलब फुलरीन एक पूरा परिवार है यह बात समझ में आ गया राजन कुमार जी ने पचासवीं बार पूछा है पीडीएफ चैनल का नाम बताइए यह पीडीएफ चैनल का नाम कुछ नहीं है आपको मेरा जो संस्थान है पीटी एजुकेशन उसका ऐप गूगल से डाउनलोड करना है उस ऐप में ऊपर बेल आइकन दिखेगा नोटिफिकेशन का ओपन कर लेना अन की नोटिफिकेशन जहां जहां दिखे क्लिक कर लो आपको वो पेज पे ले जाएगा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पीटी एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है लिंक भी इसमें मिल जाती है पीटी का मतलब है प्रोफेशनल ट्यूटोरियल जो मैंने 93 में शुरू किया था तब आप पैदा भी नहीं हुए थे हाँ एनीवे anyway, तो प्यारे दोस्तों ये पीटी ऐप में आपको दूसरे भी नोटिफिकेशन मिलेंगे वो भी बहुत यूजफुल करंट अफेयर रिसोर्स है आप सारा यूज करो फ्री है आप ही के लिए है तो दोस्तों अब इस पर वापिस आ जाते हैं फटाफट इस चीज़ को और स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी ध्यान से नोट कीजिए अली सिद्धि कीजिए बत मिस्टर स्कुलन की स्पेलिंग थोड़ी सही लिखिएगा बी यू सी के है बेटा वो ठीक है स्पेलिंग गलत करोगे तो जहां जहां गलत स्पेलिंग होगी एग्जामिनर उसके मार्क्स काटेगा इसलिए मैं बार बार टोकता हूं मैं जानता हूं आपको बुरा लगता है खासतौर पर हिंदी माध्यम वालों को बुरा लग सकता है कि मैं इंग्लिश की स्पेलिंग पर टोकता हूं बेटा टीचर हूं ये मेरा काम है मैं नहीं करूंगा तो फिर आप बाद में बोलोगे कि सर आपको टोकना चाहिए था ना अगर आपके उच्चारण गलत हुए स्पेलिंग गलत हुई तो टीचर नहीं टोकेगा तो कौन टोकेगा एग्जाम में तो मार्क कट जाएंगे इसलिए जब आप स्पेलिंग्स देखें कोशिश करें कि स्पेलिंग ठीक लिखें होता क्या बेटा कहीं कही ना कहीं तो अंग्रेजी में लिखोगे ही जाके अगर एक पन्ने में बी स्पेलिंग गलत हुई मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं आपका काम नहीं होगा कोशिश कीजिए धीरे धीरे रातों रात कुछ नहीं होगा बेटा एक महीना दो महीना तीन महीना मेहनत करो हर व्यक्ति सीख सकता है अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और अंग्रेजी तो छोड़ो हिंदी माध्यम के छात्रों की हिंदी में भी स्पेलिंग्स गलत निकलती हैं कम से कम हिंदी तो अपनी बिल्कुल त्रुटि रहित कर लो भैया सर क्या कर लो क्या कर लो अरे त्रुटि रहित यानी कि एरर फ्री अच्छा अच्छा वो वाला त्रुटि रहित सर द तो फैमिली इज नेम्ड आफ्टर द बक मिस्टर फुलरी नेम्ड आफ्टर दिस आर्किटेक्ट कॉल बक मिस्टर फुलर एक व्यक्ति था जो इस तरह के डोम्स बनाया करता था क्लोज्ड क्लोज आर इनफॉर्मली कॉल बकी बॉल इसको बकी बॉल भी कहते हैं क्योंकि फुटबॉल जैसा दिखता है नेस्टेड क्लोज बकी अनियंस तो कुछ ढांचे होते हैं उनको बकी कहते हैं सिलेंड्रिकल को कार्बन नैनोट्यूब सी एन टी कहते हैं आप देख लिया आपने फुलरीन एक जनरल हो गया और इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल फुलरी बकी ट्यूब तो इसको आप बकी ट्यूब भी कह सकते हो सीएन टी को बकी ट्यूब समझ में आया और ग्राफीन जो है दरअसल इसी को खोल के अगर फ्लैट कर दिया जाए तो वो अपने आप में एक फुलरीन बन जाता है तो ग्राफीन भी दरअसल है तो एक फुलरीन ही सिर्फ एक फ्लैट फुलरीन है तो बस ये आपस के कनेक्शन आपको अच्छे से पता होने चाहिए ये बहुत बहुत जरूरी है समझ में आ गया आई होप दिस इज एप्सोल्यूटली क्लियर तो प्यारे बच्चों सेशन में अगर मजा आ रहा हो तो फटाफट सेशन को लाइक करो और एक बार कॉमेंट थ्रेड में पूरे जोश के साथ करके दिखाएंगे लिखो अभी के अभी लिखो करके दिखाएंगे ये जोश जरूरी है ये जज्बा जरूरी है क्या करके दिखाएंगे अच्छे से पढ़ाई करके दिखाएंगे भाई पूरी की पूरी दस स्पेशल क्लासेस संदीप सर की शुरू हो रही है मंडे से सुबह साढ़े सात रात को मत आ जाना साढ़े सात पे सुबह वही साढ़े सात जब तुम नहीं उठे हुए होते हो वही वाला साढ़े सात हाँ तो अपनी मम्मी को बोल के सुना कि मम्मी मम्मी अगले है ना दो हफ्ते है ना मुझे बिल्कुल हिला हिला के सुबह सवा सात पे उठा देना ताकि मैं तैयार होकर साढ़े सात तक बैठ जाऊं और मैं नहीं उठूं ना मम्मी तो पानी डाल देना मेरे ऊपर और फिर भी नहीं उठू मम्मी खूब कूटना मेरे को और मेरे को उठा जरूर देना क्योंकि ये दस क्लासेस मेरी मिस हो गई पाप है ये प्यारे दोस्तों आई होप अभी तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया ये स्लाइड पूरी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं विद योर परमिशन और इसका जनरल फार्मूला सी एन होता है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है जी चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं ये ग्राफीन एटम्स का एक्चुअल चित्र है कैन यू बिलीव इट आजकल तो एटॉमिक लेवल के चित्र निकल रहे हैं भैया अन प्लस पे पूछा जा रहा है कि भैया सर रिलायंस पे भी तो एक लेक्चर ले लो रिलायंस पे हमारी औकात लेक्चर लेने की रिलायंस पूरे भारत की रिलायंस पूरे भारत पे लेक्चर ले रहा है एक तरफा खेल हो गया बस एक ही प्लेयर बचा भारत में रिलायंस पूरा देश रिलायंस के लिए बनाए कारपोरेट वर्ल्ड मतलब रिलायंस ही हो गया है उस पर हमारी औकात के हम लेक्चर रहे ले, वो पूरे देश का लेक्चर ले रहा है भाई तो आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अब इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्राफीन का ये एक्चुअल चित्र है देखिए एटम्स के चित्र लिए जा रहे हैं ये ग्रेफीन एटम्स का एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का चित्र है भैया समझ में आ गया विद्या बोलती है सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया मैं साढ़े पांच बजे उठ जाती हूं दिल पे लग गई है यार इसके माफ़ कर दो यार तुम्हारा गुरु हूँ यार प्लीज़ नाराज मत हो यार माफ़ कर दो बहुत रोना आएगा नहीं तो मुझे मैं कल की क्लास भी नहीं ले पाऊंगा सर कल तो वैसे भी आपकी छुट्टी है अरे यार पकड़ लिया तुमने आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर तो प्यारे दोस्तों अब एक स्टेप आगे चलते हैं अगर आपको ये एक्चुअल चित्र समझ में आ गया ग्रेफीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इट हैज़ अ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स इन टू डायमेंशनल हनीकॉम लैटिस यहां आपको बता दिया बहुत ध्यान से समझना इस्पात से सौ गुना मजबूत होता है ग्रेफीन ग्रेफीन जो होता है प्यारे दोस्तों वो इस्पात से सौ गुना अधिक मजबूत होता है अब अगर ऐसी कोई चीज आपको मिल गई तो नेचुरली आप डेफिनेटली इसका इंडस्ट्रियल यूज करना शुरू करेंगे समझ में आया कि नहीं रतन क्लासेस बोल रहे हैं सर आप मेरी क्लास में एडमिशन लेने कब आओगे बस आज शाम को आ रहा हूं रतन जी एडमिशन फॉर्म तैयार रखिएगा कौन सी क्लास लेते हैं आप जो भी पढ़ाते हैं पूरा साल भर का एडवांस एडमिशन आपके यहां लेने वाले हैं तैयारी रखिए माई डियर स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए इस पास से सौ गुना अधिक मजबूत है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत एफिशिएंटली कंडक्ट करता है और लगभग पारदर्शी ये बहुत मजे की बात है ग्राफीन इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट आर पार दिखता है इसमें से ग्रफीन में से तो इसके जो एप्लीकेशन हैं वो बहुत नए 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 तरीकों से निकल कर आएंगे ये समझ में आया आपको दिस इज दी होल आइडिया यूज ऑफ ग्राफीन एंटी करोजन कोटिंग्स एंड पेंट्स एफिशिएंट एंड प्रिसाइज सेंसर फास्टर एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस तो इसके ऊपर एलसीडी डिस्प्ले बनेगा जिसको आप गोल गोल घुमा सकते हो शेप में चेंज कर सकते हो ये ग्रेफीन का उपयोग है हालांकि मैं इतना आपको बता दूं ये जो मैजिकल मटेरियल है ग्रेफीन ये मैजिकल मटेरियल अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इसका बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करने में अभी कुछ दिक्कतें हैं लेकिन वो भी रिजॉल्व हो ही जाएंगी कुछ सालों में उसके बाद फिर कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर यस yes, भारती आपने ये बता दिया हम टीम को बता देंगे कि भाई वो एक वीडियो मिस हो गया है प्ले में से तो उसको कृपया ये लोग एड कर दें बुलेट प्रूफ इसकी दो से ज्यादा लेयर को अगर जोड़ दें तो वो इतनी ड्यूरेबल हो जाती हैं कि सामान्य रूम टेम्परेचर पर अगर गोली मारी जाती है वही वाली गोली गोली मार भेजे में भेज शोर करता एक मिनट एक मिनट एक मिनट भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू मामा कल्लू मामा बड़ी प्यारी मूवी थी सत्या जरूर देखना मौका मिलेगा तो वही वाली गोली वही वाली गोली मैंने सुना आपको मैंने सोचा आपको बॉलीवुड स्टाइल में पढ़ाऊँगा तो जल्दी समझ में आता आजकल की हमारी इस युवा न्यू इंडिया की जनरेशन को इसलिए थोड़ा बॉलीवुड की स्टाइल में पढ़ा दिया समझ में आ गया ये सारे एप्लीकेशंस याद रहेंगे अब अगर एग्जाम में किसी ने पूछा तो ये तो नहीं बोलोगे संदीप सर ने पढ़ाया ही नहीं संदीप सर ने पढ़ाया ही नहीं नहीं तो है ना मैं तो अभी तक आई बन भी जाता मैं तो मैं तो डीएम भी बन जाता वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्ह पढ़ाया नहीं नहीं तो मैं तो आई कब का बन के पाँच साल हो जाते मेरे को तो ये अब बहाना मत देना बेटा ठीक है बता दिया तुमको आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं फ्रॉम ग्रेफाइड टू ग्रेफीन ये सवाल भी किसी ने आज पूछा था तो मैंने सोचा इसका जवाब भी दे दें ये उसकी केमिकल प्रोसेस आपके सामने है ग्रेफाइड से अक्खा मुंबई का किंग कौन देखो आज है कल रहेंगे इसकी गारंटी क्या है फ्रॉम ग्रेफाइट टू ग्रेफीन आपके सामने है पूरी की पूरी कहानी एक एक लेयर को अलग अलग कर दो तो ग्रेफीन बन गया सिंपल यह देख लीजिए आपकी पेंसिल की जो नोक है उसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है उस ग्रेफाइट में अलग अलग लेयर्स हैं एक एक लेयर को अलग करोगे तो ग्रेफीन निकलकर आ गया बस ये है ग्रेफीन की पूरी पूरी कहानी एनिमेशन में मजा आया सिंपल एनिमेशन है एकदम जो हमें ये बता रहा है कि किस प्रकार ग्रेफाइट से ग्रेफीन बनाया जा सकता है आई होप दिस इज क्लियर अब आप पूछेंगे सर और कुछ इसके थोड़े से एप्लीकेशन बता दीजिए संगिनी कुमारी बोल रही है सर आप एंटरटेनमेंट बहुत करवाते हैं बेटा उसीलिए तो रखा गया मुझे यहाँ नौकरी के लिए कि जाओ जाके बच्चों का एंटरटेनमेंट करो दूसरे टीचर बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं बच्चे बहुत सीरियस हो गए हमारे बच्चों के चेहरे से रौनक उड़ गई है बच्चों के चेहरे पे से मुस्कान ही उड़ गई है जाओ तो अब जाओ तुम हंसाओ लोगों को जाके जाओ जाओ तुमको पैसे इसलिए तेरे गाने गाने गाओ चश्मा ले जाओ ये ले जाओ चश्मा मेरा ले जाओ पहनो दिखाओ जरा बच्चों को इसीलिए तो रखा गया बेटा मेरे को तो ये है ग्रेफीन के अलग अलग एप्लीकेशन बहुत ध्यान से देखिए चार एरियाज़ में एप्लीकेशन बता रहे हैं लिथियम आयन बैटरी के अंदर भी इसके काफी वास्ट स्तर पर एप्लीकेशन है समझ में आ गया आई होप दिस इज टोटली क्लियर तो दिस इज द होल आइडिया माई डियर स्टूडेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड इसको अच्छे से देख लीजिए दस सेकेंड का समय दे रहा हूं आपको दस सेकेंड का समय दे रहा हूं देख लीजिए ठीक है क्लियर है बहुत वास्ट एप्लीकेशन है और इसमें बहुत कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है डब्ल्यू आईपी यानी अभी विज्ञान ढूंढ रहा है अभी विज्ञान पता कर रहा है अभी कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है समझ में आ गया आपको लेकिन अल्टीमेटली 10 साल में हो ही जाएगा मैं आपको कई बार एक बार बात बोल चुका हूं यू हैव हर्ड इट क्लियरली थर्टी द वर्ल्ड विल बी अ चेंज प्लेस दो हजार तीस तक ये दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी और उसके इंडिकेशन में आपको यहां बता रहा हूं शिवी जी मैं तीन बार शेड्यूल बता चुका हूं क्लास के एंड में शेड्यूल फिर से बता दूंगा उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आई होप दिस इज क्लियर और इक्कीसवीं सदी विज्ञान की सदी है जो इसमें आगे है वही आगे जाएगा अब सी पर आ गए ध्यान से देखिए आपको एनिमेशन में कार्बन नैनोट्यूब सिलेंड्रिकल चीज दिखाई जा रही है होती क्या है सी कार्बन नैनो ट्यूब जो होते हैं वो बेलन के आकार के कार्बन के एलोट्रोपिक बेसिकली रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर कार्बन एटम मतलब ले लो लो और उसको बेलन के के आकार में गोल गोल घुमा एक लंबी शीट बना लो, तो आपका टी बन गया ये कार्बन नैनो ट्यूब बन गया और कार्बन नैनो ट्यूब इतनी भयंकर मजबूत होती है कि वो जितनी उसकी ये विड्थ आपको यहां पे दिखाई दे रही है इससे कई कई हजार गुना लेंथ दोनों तरफ हो सकती है और वो टूटती नहीं है तो ये तो बहुत ही रिमार्केबल है ये तो बहुत ही रिमार्केबल है और इसीलिए कार्बन नैनोट्यूब को सिलेंड्रिकल फुलरीन्स भी कहा जाता है ये कल हमने इंट्रोड्यूस किया था ये कल हमने आपको इंट्रोड्यूस करके बताया था और आज इसको इस तरह से हम देखेंगे तो दोस्तों दे कैन बी सिंगल वॉल्ड ये केवल एक वॉल्ड की हो सकती हैं और ये मल्टी वॉल्ड भी हो सकती हैं ये रही मल्टी वॉल्ड देख लीजिए एक बार तो इससे उसकी स्ट्रेंथ और कई गुना बढ़ जाती है और यह जितना इनका डायमेंशन है ऐसा डायमीटर उससे हजारों गुना लेंथ की होने पर भी यह टूटती नहीं है तो यह इसकी ताकत है जिस वजह से फाइब्रस स्ट्रक्चर्स में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है सो दे कैन बी सिंगल वॉल्ड विद डायमीटर ऑफ लेस देन वन नैनोमीटर और मल्टी वॉल्ड और इन्हीं को सिलेंड्रिकल फुल रिंग्स भी कहते हैं ये यहां तक का पूरा क्लियर हो गया आपको चलिए तो यह हो गया कार्बन नैनोट्यूब का इंट्रोडक्शन ये हो गए उसके प्रकार देख लीजिए एक बार सिंगल डबल ट्रिपल मल्टी तीनों दिखा दिया आपको सिंगल डबल ट्रिपल मल्टी आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर एक बार अच्छे से देख लीजिए कहीं कोई शक कहीं कोई शक यारे दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं मंडे से मेरी स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल शुरू हो रहा है दस क्लासेस होंगी मंडे से फ्राइडे मंडे से फ्राइडे सुबह साढ़े सात एक एक बच्चे के लिए कंपलसरी है आके अटेंड करना अन अकेडमी पे फायदा आप ही का है सारी क्लासेस फ्री है लेकिन आप आएंगे उसी से हमारी हिम्मत बढ़ती है कि भाई हमने कुछ ऑफर किया बच्चे आए बच्चे पढ़े पार्टिसिपेट किया और ये केवल अन अकेडमी के बच्चों के लिए मैं ला रहा हूँ इसलिए आप इसको पूरा यूज़ कीजिएगा क्लास के एंड में फिर से प्रोसेस बता दूंगा प्रोसेस सिंपल है अन अकेडमी की मेरी प्रोफाइल पर चले जाइए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको वहाँ आपको नीचे स्पेशल क्लासेस आज शाम को छः बजे सारी वो लोग लोड कर देंगे मुझे बोला उन्होंने अभी वो टीम काम कर रही है उस पर आपको यहाँ पर नीचे स्पेशल क्लास में वो दस क्लासेस दिख जाएंगी ठीक है और यही आदमी दिखेगा इसी की फोटो दिखेगी दिख रहा है वहां चश्मा नहीं पहनता ये और वो दस क्लासेस में आप एनरोल कर लेना और अगले से अटेंड करना शुरू एनरोलमेंट इज इस कंपलसरी इसलिए वो वो जरूरी है लेकिन वो फ्री है लेकिन फ्री तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये इसके अलग अलग प्रकार के सी एन टीज हो गएसोलूटली क्लियर वेरी गुड तो दोस्तों सीएन टीज आर केमिकली बॉन्डेड विथ एसपी टू बॉन्ड एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉग फॉर्म ऑफ मॉलिकुलर इंटरेक्शन आपस में जितने भी आणविक इंटरक्शन होते हैं उसमें सी एन टी में जो sp2 टू बॉन्ड होता है वो बहुत बहुत मजबूत होता है इसी वजह से ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं इस फिगर को अगर हम इसके ट्यूब के नेचुरल इंक्लिनेशन टू रोप टूगेदर वाया वेंडर फोर्सेस में देखें तो वेंडर फोर्सेस तो उनमें है ही और साथ ही साथ sp2 टू इसका मतलब अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ बट वेरी लो वेट मटीरियल दैट है एक तो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ ऊपर से अल्ट्रा लो वेट और ऊपर से वेरी गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली मिल पाते हैं एक दो तीन मतलब इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तो अद्भुत होंगे और एक ने एक दिन ये स्टील को पूरी तरह से रिप्लेस करके निकल जाएगा शुभम राठौड़ पूछ रहे हैं कि सर आप जो है आप ये पढ़ाते हो क्या आ, करंट अफेयर वगैरह पढ़ाते हो क्या आप कभी पढ़ा आपने करंट अफेयर वगैरह कुछ देखा है कुछ मतलब वो जो दैनन्दिन कुछ घटनाएं वगैरह होती रहती हैं सर करंट अफेयर कहते हैं सर उसको करंट अफेयर मतलब समसामयिक घटनाएं वगैरह जो होती हैं सर पढ़ाते पढ़ाते हो क्या आप अच्छा सवाल पूछा है मासूम सवाल है मासूम लोगों से हम बेहद प्यार करते हैं मेरे प्यारे दोस्त मैं करंट अफेयर निश्चित तौर पर पढ़ाता हूँ बस अभी मुश्किल से अट्ठाईस साल ही साली हुए हैं पढ़ाते हुए ये मेरी पर्सनल यूट्यूब चैनल है पी टी एजुकेशन एच क्यू सब्सक्राइब कर लेना इस पर आपको सारे मेरे करंट अफेयर बूस्टर की सीरीज कंटिन्यूसली मिलेगी और भी उसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा ये मेरा पर्सनल चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके उस मासूम सवाल का था ये मासूम सा जवाब और इस चैनल पर आओगे तो इसमें हमारा मेंबरशिप का बहुत अच्छा फीचर है जिन बच्चों को एकदम टॉप लेवल का मेंबरशिप सपोर्ट चाहिए कंटिन्यूस करंट अफेयर का प्रीमियम लेवल का आप यहां पे मेंबरशिप लीजिएगा आपको बहुत बहुत फायदा होगा तो ये सवाल पूछा था इसलिए मैंने जवाब दिया अदरवाइज मैं नॉर्मली ये यहां नहीं बताता हूं बट ठीक है आपने पूछा तो आपकी मासूमियत को हमारा सलाम और आपकी मासूमियत का हमने जवाब दे दिया ठीक है अब आगे चलें प्यारे दोस्तों अब यहां पर हमने ये देख लिया स्टोरी ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स इसके अलावा ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है मैंने आपके लिए सी एन टी की कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर दी है ठीक है ऐसा मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए देते रहता हूं कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर और स्टडी मटेरियल क्या पढ़ें और स्टडी मटेरियल क्या पढ़ें बहुत कुछ देता हूं एक एक पीडीएफ में बारीक पॉइंट से बनाने में हमारा दम निकल जाता है बेटा बहुत मेहनत लगती है आप यूज करें और इसके अलावा अगर आप प्लस पर आ जाएंगे मेरा कोड लगाएंगे एस एम सर टेन अन अकेडमी प्लस पर वहां मेरा 50 सेशन का एस एन टी का कोर्स पहले से उपलब्ध है उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी दिया है तो ये दोनों करोगे तो आपका काम मोटे तौर पर हो जाना चाहिए उसके अलावा एच टू पॉइंट जीरो में डिटेल मैराथन सेशन भी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन और मिंटी से अलग से भी करवाऊंगा समझ में आ गया आई होप दिस इज टोटली क्लियर नीलाक्षी तिवारी बोल रही है सर प्लीज मेरा क्वेश्चन भी देख लीजिए अब आपका क्वेश्चन क्या है वो देखने के लिए पूरा ऊपर तक कैन नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी ये मैंने जवाब पहले दे दिया है लेकिन आपने पूछा है, फिर से दूंगा देख लिया भैया मेरी बेटिया ऐसे नाराज नहीं होते हैं देखो ऐसा है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज बायोटेक्नोलॉजी में होगा क्या हंड्रेड परसेंट हो ही रहा है जब आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर ड्रग डिजाइन की बात करते हैं तो वो नैनो लेवल पे ही तो काम हो रहा है और कल को जब नैनो रोबोट्स बन जाएंगे आपको याद डेडली तो तो इंटरफेस होने वाला है बात समझ में आई आपको तो ये है पूरी पूरी कहानी प्यारे दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया और नैनो वेपन्स भी कही कहीं ना कहीं आएंगे अभी मैं वो टॉपिक को आज नहीं छेड़ूंगा नेक्स्ट वीक के लिए मैंने के रखा है प्यारे दोस्तों ये सारे इनके यूजेज के एरियाज हैं वेंडर वॉल फोर्स में आपको पहले बता चुका हूं इस आज के प्रेजेंटेशन में इसलिए डाल दिया कि ये पढ़ते समय अगर रेफर करना रहा तो आपको वेंडर वेंडरफॉल फोर्सेस रहेंगे अब ये बहुत अच्छा चार्ट मुझे एक वैज्ञानिक रिसर्च पेपर में मिला इसलिए मैंने वो यहाँ पे लगा दिया है थोड़ा सा इसको देखिएगा आवाज बराबर आ रही है ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ये एक रिसर्च पेपर में मुझे बहुत अच्छा सा वैज्ञानिक चार्ट मिला इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा अलग अलग कार्बन के एलोट्रॉप का वेंडरवॉल फोर्स के प्रति कैसा रिएक्शन रहता है वो बताने की कोशिश की गई है समझ में आया बहुत प्यारा चार्ट है सिर्फ ये देखने के लिए कि वेंडर फोर्सेस बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट सिर्फ इतना बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें से लेकिन किस लेवल पर रिसर्च होता है नैनो टेक्नोलॉजी में एक फील आ जाता है सी एन डी फुटप्रिंट्स इन नेचर तो जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये 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 बेलन आकार के एलोट्रॉप जिसको हम बेसिकली फुलरीन का ही सिलेंडर भी बोल रहे हैं इसके प्रकृति में कहां कहां एप्लीकेशंस हैं ये आपके सामने हैं इग्नियस रॉक में मिलते हैं ऑयल फील्ड में मिलते हैं डेमेस्कस स्वॉर्ड में यही मिला था भैया ग्रेफाइट विस्कर्स में मिलता है कार्बन फाइब्रिल्स में मिलता है सिंगल वॉल्ड मल्टी वॉल्ड प्लेनेटरी नेबुला में मिले हैं ग्रीनलैंड के आइस्कोर में मिले हैं बहुत सारी जगहों पर ये प्रकृति में भी मिले हैं मतलब दिस एलोट्रॉप इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग समझ में आ गया आपको तो प्यारे दोस्तों जब आप अन अकेडमी प्लस पे जाएंगे तो मेरा कोड है एस एम सर टेन एस एम एस आई आर वन जीरो बस यही कोड है आगे पीछे कुछ मत करना इसमें तो एक बार यार जरा थोड़ा सा अपना प्यार का प्रदर्शन कर दो यार भाई अभी के अभी लाइव चैट में और बाद में कॉमेंट थ्रेड में भी जितने भी बच्चे हैं एक बार मेरा कोड लिख दो तो मुझे थोड़ी से दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार इनको मेरा कोड याद हो गया है फटाफट हर बच्चा हर बच्ची लिख दे एस एम सर टेन एस एम एस आई आर वन जीरो अरे क्या मांग रहा हूं तुमसे यार सिर्फ कोड लिखने को ही तो मांग रहा हूं यार है लिखो बेटा ऐसे में चलो दोस्तों तो ये सी एन टी के ग्रोथ का एक डायग्राम है ये एडिशनल स्टडी मटेरियल दे रहे हैं आपको और ये है एकदम लेटेस्ट इक्कीसवीं सदी की नई कहानी बहुत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है अब ये पता चला पिछले दस सालों में कि सोलर फोटो वोल्टेज सेल में हम ग्राफीन का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं ग्राफीन का इस्तेमाल फ्लेक्सिबल लो कॉस्ट और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंट तो एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त होगी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी ने सर टेन लिखा मेंटी की क्विज बस आने ही वाली है सभी लोग जो सेंटी हो चुके हैं मेंटी के लिए सेंटी रहना अपने सेंटीमेंटल जरा बचा के रखना भैया तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार आप करते हैं मजा आता है प्यारे दोस्तों नाउ ट्रांसपेरेंट सोलर सेल बनेंगे मतलब प्रैक्टिकली किसी भी सरफेस के ऊपर लगा के आप सोलर लाइट से पावर बनाना शुरू कर पाएंगे बहुत बड़ी बात होगी ये और ये टू डी मटीरियल्स में टू डी है ना क्योंकि दो इसकी हाइट तो होती नहीं ग्राफीन की टू डायमेंशन में चलता है लेंथ ऑफ विड चलती है केवल ग्राफीन एच बी एन डब्ल्यू एसई टू तो ग्रफीन को एक तरह से लेटिस ऑफ कार्बन यानी सेमी मेटल बोलते हैं फिर जो एच बी एन होते हैं उसको इंसुलेटर बोला जाता है हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड एच बी एन ये यहां पर दिखा हुआ है और सेमी कंडक्टर अर्थ चालक होता है संबंधित प्रश्नों में पूछा जा सकता है शिशुपाल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट हर फैकल्टी सम्माननीय हर फैकल्टी पूरी मेहनत कर रहा है आपका प्यार बना रहे तो सभी मिलकर पूरे पूरे अनकेडमी के बच्चों को जरूर जरूर सफलता दिलवाएंगे दोस्तों अब इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने के लिए सारे एप्लीकेशंस वगैरह ये मैं जो पार्ट फोर और फाइव में एप्लीकेशंस में डिटेल में जाऊंगा बहुत मजा आएगा फिर से आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों ये हमारी स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल शुरू होने वाला है 20 जुलाई मंडे से एक बार सारे टॉपिक्स देख लीजिए मंडे को इकोनॉमी पढ़ाऊंगा ट्यूजडे को साइंस और टेक्नोलॉजी उसके बाद हम आ जाएंगे हिस्ट्री पर उसके बाद आएंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस पर और उसके बाद आएंगे ज्योग्राफी पर ज्योग्राफी भी बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे साथ करके अलग अलग तरीक़ों से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे देखेंगे तो क्या आप एक्साइटेड हैं या नहीं आज शाम को छः बजे के बाद क्लासेस ऑन हो जाएंगी तो भैया जाके तुरंत ज्वाइन करोगे या नहीं कन्फर्म कर दो एक बार मुझे तो मुझे भी जरा पता रहे कि हाँ सारे बच्चे भैया पहुंच गए यस और नो और उसका अगला सप्ताह ये बहुत प्यारे टॉपिक्स हैं वन हंड्रेड परसेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स ही लेकर आया हूं ये करोगे सीधे सीधे एग्जाम में आपको फायदा होगा और उसके अलावा नॉलेज तो है ही नॉलेज की तो खैर बात है ही लेकिन उसके अलावा भी तो आज शाम को छह बजे के बाद जाके पूरे दस में एनरोल करा लो तभी मजा आएगा उसके बिना मजा नहीं आएगा नहीं तो ये नाराज हो जाएगी देख लो बता रहा हूं तुमको मैं समझ में आ गया यस और नो जी हाँ अखिल जी ज्योग्राफी पूरा पढ़ाता हूँ एंड टू एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे ज्योग्राफी क्योंकि साइंटिफिक टॉपिक है उसमें कोई फट्टेबाजी तो चलती नहीं है ज्योग्राफी तो बिल्कुल मतलब गणित ही है ज्योग्राफी तो प्रैक्टिकली तो मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत पसंद है बेटा जो मेरा खुद का संस्थान है पीटी एजुकेशन जो जिसका ये मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखा रहा हूं मैंने तो पूरा आई का कोर्स बनाया ना हिंदी इंग्लिश में पैरल पढ़ाता हूँ क्लास में पूरा चार लेक्चर का मेरा कोर्स है एंड टू एंड पूरे टॉपिक्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग प्रेलिम्स के सारे टॉपिक्स पूरा पूरा मेरा कोर्स खुद का बनाया हुआ है पिछले सात साल में डेवलप किया हुआ खैर एनी वे यहाँ पर तो मैं आपके साथ दो तीन टॉपिक्स ही पढ़ा रहा हूं मजा आएगा पढ़ते चलिए बढ़ते चलिए यही है सारा जीवन का जो आनंद लेने की बात होती है वो यही है तो दोस्तों अब समय आ गया है प्रैक्टिस एमसीक्यू शुरू करने का लेकिन ये हमारी प्यारी प्यारी गैको हमको बोल रही है कि मेंटीमीटर ऑन तो कर दे भाई तो मेंटीमीटर ऑन कर देते हैं हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेंटीमीटर ऑन करने का समय आ चुका है और मेंटीमीटर पर सभी लोग आ जाइए मेंटी डॉट कॉम एम ई एन टी आई डॉट सी ओ एम लगाओ बेटा एम ई एन टी आई डॉट सी ओ एम लगाओ फटाफट लगा लिया तो एम ई एन टी आई डॉट सी ओ एम अगर तुमने लगा लिया है तो कोड दे दू तुमको टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन बेटा आज का हमारा कोड है टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन आज का जो हमारा कोड है वो कोड है टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन आज का हमारा कोड है टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन फटाफट लगाओ मेंटी डॉट कॉम ओपन कर लीजिए ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे आना भी शुरू हो गए इसको कहते हैं ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड पहला क्वेश्चन रेडी है लेकिन उसके पहले क्वेश्चन में डिस्प्ले करूं ये गेको बोल रही जल्दी पहुंचो जल्दी जल्दी पहुंचो इसकी आवाज़ तो कुछ ऐसी होगी घेको <laughs> की आवाज निकाल रहा हूँ <laughs> तो मेन्टी डॉट कॉम ओपन कर लो एम ई एन टी आई डॉट सी ओ एम कोड है इक्कीस सन्तानवे निन्यानवे टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन बच्चे जरा कॉमेंट थ्रेड में भी लिख दो यार जो नए नए बच्चे अभी आ रहे हैं उनको थोड़ा गाइड कर दो मदद कर दो मेंटी चालू होती बहुत से बच्चे भाग गए ऐसा मत करो यार फिर मैं uh, प्लस पे स्पेशल क्लासेस लाऊंगा सब करूंगा तो कैसे मजा आएगा बहुत बहुत बढ़िया बच्चों ने कोड यहां पे लिख दिया है वेरी नाइस वेरी नाइस इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड फटाफट आ जाओ बाकी के लोग आओ यार स्लो है जरा स्पीड जल्दी जल्दी आओगे तो ही मज़ा आएगा उसके बिना कैसे मज़ा आएगा कई लोग अवॉइड कर रहे हैं मेंटी ऐसा है तो हम बंद कर देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं हमारा तो एक घंटा ज़्यादा चला जाता बनाने में यार फिर भी हम बना रहे हैं क्योंकि बच्चों ने वादा किया था कि सर हम सब आएंगे साथ में पढ़ेंगे मजा आएगा एंजॉय करेंगे इसलिए हमने किया और डरने से थोड़ी काम होगा टेक्नोलॉजी को सीखने से काम होगा उसके बिना कैसे होगा ये रहा आज का पहला सवाल फटाफट सॉल्व कीजिए अभी मेंटी पे नहीं लाया हूँ पहले स्क्रीन पे आ जाए विच ऑफ दिस इज करेक्ट ए बी सी डी निम्न में से क्या सही है है ना ये आज का पहला सवाल है देख लो एक बार शुभम राठौड़ को सादर प्रणाम मेंटी क्या है बेटा मेंटी वो है जो हमको सेंटी करता है ठीक है बहुत बढ़िया पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है यूट्यूब पे भी आंसर दीजिए और मेंटी डॉट कॉम मैंने चालू ही नहीं किया अभी करूंगा एक बार यूट्यूब पे मुझे दिख जाए पहले आ गया बढ़ जा तो मेंटी पे उसको मैं लाइव कर रहा हूं आप चालू कर दिया मेंटी पे मैंने पहला क्वेश्चन मेंटी पे आ चुका है थर्टी सेकेंड मिलेंगे आपको मिनटी पे वोटिंग शुरू हो गई है मेंटी सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको लाइव पोल में आना है और अपना रैंक देखना है लीडर बोर्ड में तो मेंटी है चीटिंग बिल्कुल मत करना अगर तुम चीटिंग कर करके टॉपर बन रहे हो तो तुम पे धिक्कार है कोई फायदा नहीं होने वाला लाइफ में और यहाँ का खेल बिगाड़ रहे हो अलग ईमानदारी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता टॉप टेन में आओ नहीं आओ लेकिन ईमानदारी ज़्यादा जरूरी है लाइफ में नहीं तो बाद में ऑफिसर बन भी बेईमानी करोगे ध्यान रखना ईमानदार रहना कोई फायदा नहीं नहीं तो ऑफिसर बन तो प्यारे दोस्तों मेंटी पे भी वोटिंग हो चुकी है और हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स में से 83 परसेंट ने सही आंसर दिया है ऑप्शन सी क्योंकि हम सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों बोथ एंड बी आर एब्सोल्युटली राइट बहुत बहुत बधाइयां हो सभी बच्चों को और मेंटी पर यह रहा हमारा पूरा का पूरा लीडर बोर्ड कृपया उसमें आप इस तरह के नाम डालना अवॉइड करें संदीप सर इंफिनिटी जिंदाबाद आप सिर्फ अपना ओरिजिनल नाम डालिए दोस्तों थोड़ी सेंटिटी उसकी बना के रखिए नहीं तो मजा कैसे आएगा फिर आप ही को मजा नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है आर आर एलोट्रोप्स एलोट्रोप्स पॉलिसी इट इज द ओनली पॉलिसी वर्थ फॉलोइंग संगनी जी याद रखिएगा कलयुग में भी ईमानदारी से ज्यादा बड़ी ताकत किसी इंसान की कुछ नहीं होती बेईमान एकदम खोखला होता है हमेशा ध्यान रखना म्यूजिक पैरल विंडो खोल लो बेटा मेन्टी डॉट कॉम एम टी आई डॉट सी ओ एम और उसमें कोड डाल देना मेंटी का जो हमने बताया है। तो एलोड्रॉप क्या होते हैं चालू कर दिया मेंटी कोड है टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन अगला क्वेश्चन ओपन हो चुका है मेंटी पर भी चलो आंसर दो बेटा क्वेश्चन टू का और चीटिंग मत करना क्वेश्चन टू आपके सामने थर्टी सेकेंड ऑन मेंटी गिवन फटाफट हर बच्चा ज्वाइन करे उत्तर दे जोश लेवल हाई रखो टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन 219799. What are allotropes? What are allotropes? What are allotropes? So, the correct answer to this question definitely is C. I hope this is absolutely right. लेकिन वहां उत्तर कितनों ने दिया फोर्टी परसेंट ही दे पाए अभी हमने पढ़ा है और फिर भी आपने गलती कर दी क्यों गलती हो रही है खुद सोचिए एलिमेंटल ऑफ सेम कंपाउंड कंपाउंड नहीं बेटा एलिमेंट देस ऑफ सेम एलिमेंट कंपाउंड नहीं बेटा एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेम उसमें तो टू भी होते हैं तो सिर्फ थ्री क्यों क्यों करेक्ट आंसर इज सी एग्जाम में यही होगा इसलिए मैं ये यहां करा रहा हूं और इसलिए आप इसको ढंग से करो बहुत जरूरी है और घर जाके चार बार रिवाइज करना कि आखिर अगर गलती हुई तो कहां हुई और कैसे हुई समझ में आ गई बात आपको तो हमारा लीडर बोर्ड आपके सामने है बहुत बहुत बधाई इन दस बच्चों को अगले क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर फुल रीन पढ़ो बेटा सबा खान जी एक दूसरी विंडो ओपन करनी पड़ेगी एक दूसरे मोबाइल फोन में ब्राउजर खोल लो मी डॉट कॉम एम ई एन टी आई डॉट कॉम और उसमें कोड डाल दो टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन अपने नाम के साथ चालू हो जाएगा सिंपल है बेटा बहुत क्वेश्चन थ्री ऑन हो गया बेटा ये रहा क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री फुलरिंस के संदर्भ में इनमें से क्या सही है उत्तर दीजिए हर बच्चा हर बच्ची कोशिश करे एम ई एन टी आई डॉट सी ओ एम पे जाओ टू वन नाइन सेवन नाइन नाइन कोड लगाओ बेटा थ्री का आंसर यूट्यूब पे भी पूरे जोश में चल रहा है इसको कहते हैं ना जोश इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है आंसर अगर कभी गलत हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आंसर दें तो सही तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे बच्चों ने उत्तर क्या दिया है हमारे बच्चों में से सेवेंटी फाइव परसेंट ने आंसर सही दे दिया आपको बहुत बहुत बधाई दिल खुश हो गया भैया सेवेंटी फाइव परसेंट ने एकदम सही उत्तर दे दिया है जो कि आंसर सी है आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी वन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर शुरू हो गया प्रश्न क्रमांक चार फटाफट सॉल्व कीजिए प्रश्न क्रमांक चार एबीसीडी में से कोई एक दीजिए यूट्यूब पे लिखिए और पैरल मेंटी पे पोलिंग कर दीजिए ठीक है वहां पर ऑप्शन एबीसीडी नीचे लिखा है हमने डिटेल्स नहीं दी उतनी जगह ही नहीं होती है वहां पर कार्बन की प्रॉपर्टी पूछ रहा गुरु मैं आपसे तो हमारे 76 परसेंट बच्चों ने सही उत्तर दे दिया आप सभी को बहुत 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 बधाई एकदम सही जा रहे हो बेटा करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव इज दैट क्लियर बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार अब हम आ गए हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव पर यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक पांच कल्पना जी क्विज पे ध्यान लगाइए समय पर नहीं प्रश्न क्रमांक पांच ऑन कर दिया है वहां भी हमने उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव का उत्तर दीजिए फटाफट प्यारे दोस्त फाइनल लीडर बोर्ड सात प्रश्नों के बाद मैं दिखाऊंगा आज के टॉपर्स के नाम भी लिए जाएंगे बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा और क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर है बोथ ए एंड बी अब यारे दोस्तों 84 परसेंट बच्चों ने सही उत्तर दे दिया आपको बहुत 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 बधाई क्वेश्चन नंबर सिक्स रेडी है प्रश्न क्रमांक स्क्रीन पर है आपके सामने फटाफट उत्तर दीजिए नैनो मटेरियल है वो मीटर नहीं है मटीरियल 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 है हिंदी में मटीरियल पढ़ो बेटा उसको मीटर नहीं नैनो उत्पाद, नैनो उत्पाद कण मटीरियल 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 तो हमारा सही उत्तर क्वेश्चन सिक्स का है ए देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया हमारे केवल नाइन परसेंट बच्चे सही जवाब दे पाए तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था समझ में आ गया याद रखिएगा प्यारे दोस्तों 79 परसेंट गच्चा खा गए ऑप्शन बी के साथ वैसा कुछ भी नहीं है क्वांटम फ्लक्चुएशन में मत उलझ जाना आंसर इज ए तो ये ट्रिक क्वेश्चन था और आई वॉज एबल टू ट्रिक यू कोई बात नहीं ऐसी तो सीखोगे आज का आखिरी सवाल आपके सामने है बहुत अच्छे से उत्तर देना और अगर ये गलत दिया तो कसम है तुमको वो छिपकली की उत्तर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर सेवन का उत्तर दीजिए तीस सेकेंड का समय है साहू जी तीस सेकंड का समय हम देंगे आपको बराबर दे रहे हैं आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा बेटा हमारे एंड से तो बिल्कुल ऑपरेशनली एकदम सही हो चुका है सब कुछ थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए कृपया क्वेश्चन नंबर सेवन ए बी सी डी में से उत्तर दीजिए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन इज ए कितने बच्चे दे पाए देख लेते हैं फोर्टी परसेंट ने सही जवाब दे दिया आप सभी को बहुत 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 बधाई इसी के साथ आज की हमारी क्विज़ हो गई कंप्लीट और हमारे आज के जो विनर्स हैं क्लास के वो हैं आपके सामने दीनानाथ सिमोनिया टाई हो गया है जीवन पोखरेल रोहित कदम जैमिन कॉन्टेसा कुणाल पूजा रोशन कुमार सचिन बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने इतनी कोशिश करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार प्यारे दोस्तों तो आपको फिर से याद दिला दें हमारा कोर्स एडवांस इकोनॉमी पिछले सैटरडे शुरू हुआ है छह क्लासेस हुई हैं इस सैटरडे संडे छः क्लासेस होंगी आज के आज एनरोल कर लें मेरा कोड एस एम सर टेन लगाइएगा और अब आपको तैयार हो जाना है वीकेंड पर हमारी स्पेशल क्लासेस के लिए और ये कोर्स तो चल ही रहा है तो उम्मीद करूंगा कि आपका प्यार मिलेगा और आप वीकेंड की क्लासेस के लिए आज शाम को आके एनरोल कर लोगे छह बजे के बाद क्लासेस मेरी प्रोफाइल पे ऑन हो जाएगी एनअकैडमी पर आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों बहुत जल्द पुनः भेट होगी कल छुट्टी है अब मैं फ्राइडे को इकोनॉमी के साथ मिलूंगा तीन बजे नमस्कार जय हिंद